हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रथोस का स्वाद में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का, जिसे मैं ग्रेवी के साथ सर्व करूँगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप इसे घर पे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 से ज़्यादा चिकन लिया है, चिकन विथ बोन है, बोनलेस नहीं है ये। अब आगे इसके हम मैरिनेशन का काम करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसमें कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लेंगे और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लेंगे, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लेंगे और एक पूरा भर के हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और थोड़ा सा छोटी इलायची 3 के आसपास कूट के इसमें डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए, हमने 2 प्याज को फ्राई करके मशीन में पीस लिया था। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक अलग सा फ्लेवर आता है इससे। अब 1 चम्मच अदरक डाल लेंगे और 1 चम्मच के आसपास लहसुन डाल लेंगे। फूड कलर को हमने पानी में घोल के इसमें डाल दिया है, ये ऑरेंज कलर है, और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरीक़े से मिलाएंगे ताकि अच्छी तरीक़े से मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाए। फटाफट मिला लेती हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहेंगे। ये देखिए, हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे। हम इसे फ्रिज में डाल देंगे, बेहतर रहेगा। मैं भी इसे फ्रिज में ही डालूंगी। 2 घंटे बाद हम इसे निकाल लेंगे और बीच में एक छोटी सी प्याली डाल देंगे और उसमें कुछ कोयलों को गर्म करके इसमें हम डाल देंगे और 1 चम्मच के आसपास घी डाल के हम इसे ढक देंगे। इससे कुछ स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर हम मसाले बनाते हैं। टिक्का के लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम 1 कप से थोड़ा कम तेल डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें तेज पत्ता, 4 लौंग, कबाब चीनी 5 से 6, दालचीनी, शाह जीरा। इन सभी को डालने के बाद इसमें 4 हरी मिर्च डालेंगे और 2 प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा बारीक भी ना हो तो भी चलेगा। इन सभी को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इसमें 3 कट किया हुआ हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि हम इसे पीस के ग्रेवी बनाएंगे और इसे हम टिक्के में इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा इसका मुलायम होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसे हम मशीन में पीसेंगे। थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। थोड़ा देर के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये लगभग हो गया होगा। इसे हम बंद करके इसे हम पीस लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चिकन भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है कुक होने के लिए, तो हम इसे थोड़ा सा पहले मिला लेंगे। इसमें एक अलग सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब हम इसे सीख में गूंथ लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का सीख नहीं है तो आप लकड़ी का भी मजबूत सीख बना के इसको गूंथ सकती हैं। इसे फटाफट हम गूंथ लेते हैं। सीख में लगा लेंगे अच्छा से इसे। ये देखिए, हमने इसे गूंथ लिया है। अब हम आगे इसे सेकेंगे। हमने पैन ले लिया है और पैन में हम सिल्वर फॉयल डाल देंगे। इससे हमारा पैन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होगा। अब हम सारे गूंथे हुए कबाब को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम कम से कम, कभी तेज़ कभी कम करके इसे अच्छी तरीक़े से कुक करेंगे। 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ये देखिए, पूरी तरीक़े से ये तैयार हो गया है। आप इसका कलर देख सकती हैं, टेक्सचर देख सकती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा आया है। अब चिकन टिक्के के लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा कम ही तेल लेंगे, 1/4 कप तेल लेंगे और इसमें कुछ तेज पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और हमने जो मसाले को भूज के पीसा था उस मसाले को हम इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरीक़े से हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे, जिसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। जीरा हमने भूज के पीसा हुआ है। और इसमें 1 चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे और 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे और जब तक ये पूरी तरीक़े से तेल न रिलीज़ कर दे, हम इसमें नहीं कुछ डालेंगे। अभी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। देखिए, ये पूरी तरीक़े से भूज गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप के आसपास। देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिला लेंगे। अब इसे बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, बुलबुले आना शुरू हो गया है। ढक देंगे थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए कम से कम।
बॉईल हो चुका है ये, इसमें अब हम चिकन टिक्के डाल देंगे। बारी बारी करके जितने हमने बनाए हैं सारे डाल देंगे। देखिए ये कितना खूबसूरत और स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। चिकन पक चुका है इसीलिए इसे हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं और ना ज़्यादा पकाएंगे। ये देखिए इसे डाल के हम थोड़ा देर के लिए ढक देंगे, कम से कम 7 मिनट के लिए हल्का गैस को कम करके छोड़ देंगे। ये देखिए टिक्के पूरी तरीका से हो गए हैं तैयार। अब हम इसे करेंगे अलग। तो चलिए हमने इसे कर लिया है अलग और इसमें हम हरी मिर्च काट के सजाएंगे और थोड़ा सा धनिया भी डाल के सजा देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।